नमस्कार दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये है गुजरात का नंबर वन जाफराबादी बुल और उनका पूरा परिवार आज हम को दिखाएंगे जो 52 का परिवार है। नमस्कार, हम गिर गाय यूट्यूब चैनल से सीधा आपके साथ में जुड़ गए हैं। आज हम पहुंचे हैं विश्व विख्यात ऐसे प्रसिद्ध सालनपुर हनुमान जी मंदिर की गौशाला। काफ़ी लोग यहाँ हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने आते हैं और गौशाला भी पे आते हैं। हम भी आपको बोल रहे हैं कि हमारी चैनल में जो वीडियो हम दिखाते हैं वो आप यहाँ भी एक बार आइए और देखिएगा। खास आपसे अनुरोध है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हनुमान जी मंदिर के गौशाला का ये बुल आप देखिए। एक बार कैमरे में ली गई ये तस्वीर, दावा करता हूँ कि आपको सालनपुर अगर आप आएंगे तो यहाँ ये बुल देखने आप आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये बुल है काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। इसका वेट कितना है, चौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी है, ये सभी जानकारी यहाँ के जो सुपरवाइजर है उनसे हमें मिलेगी। क्या नाम है आपका? भोला भाई, आप यहाँ काफ़ी सालों से हैं, आप सुपरवाइजर करते हैं, गायों के साथ आप जुड़े हैं, इसका नाम क्या है? उसका नाम है मंगल उसका नाम है। अभी तक इसके बछड़े वगैरह जो ब्रीडिंग जो होता है वो ये यहाँ पे है कि कोई और जगह पे भी है? और जगह नहीं मिलेगा, वो आपको सालनपुर में मिलेगा। इसकी हाइट और अगर चौड़ाई की बात कीजिए, वेट की बात कीजिए तो कितना है करीब? उसका 1 टन से ज़्यादा होगा और उसकी लंबाई 6 फुट है और लंबाई 11 फुट है। और यहाँ इसके जो बछड़े है वो यहाँ करीब कितने हैं? यहाँ उसका बच्चे तो है 40 से ज़्यादा। यहाँ के वो ये कितने साल का है? 7 साल का है। और दूसरे जो है वो भी छोटा गिनिए तो क्या? छोटे से उसकी जो बड़ी भैंस हो गया तब का बोलता हूँ। अच्छा, वो कितने सालों का अभी होगा? उसका बच्चा तो मानो कि 3-4 साल से ज़्यादा है। और इसकी जो गाय मतलब भैंस जो होती है जो दूध देती है वो करीब कितना दूध दे सकती है? जो उसकी पाड़ी है कहलावती बियाणी है तो 18 लीटर देती है। अभी तो दूसरा वेतर में आएगी तो 25 से ज़्यादा निकालेगी। सर, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका माँ बाप का नाम क्या है? उसका माँ बाप का नाम है मयूर, उसका पिता का नाम है मयूर और उसकी माता की नाम है गीता। अच्छा, और ये कितने साल का हुआ और इसका जन्म कहाँ हुआ? उसका जन्म सालनपुर में ही हुआ है। अच्छा, और कितने साल का हुआ है? 7 साल पूरा हो गया। अभी इसका लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, इसका वेट की बात करें तो कितना होगा? ऊंचाई उसकी 6 फुट है। 6 फुट है, 11 फुट उसकी लंबाई है। अच्छा, 11-12 के आसपास। ओके, और वजन कितना है? वजन उसका 1 टन 100 किलो। सर, इसका रिजल्ट की बात करें तो अभी कितने इसके बच्चे बछड़िया है और उसका रिजल्ट क्या है? इसकी माँ कितना दूध देती थी, इसकी बच्चियाँ कितना दूध देती है? उसकी माँ थी ना वो जब छोटा था ना तो मैंने दोया था उसकी माँ को, 25 लीटर दूध था शाम सुबह का, 2 टाइम का। हाँ, 2 टाइम का। और अभी इसकी बछड़िया है, उसकी पाड़ी है ना, वो उसकी पाड़ी काफ़ी ज़्यादा है, 7-8 है, उसकी 10-12 लीटर एक टाइम का 20 लीटर है। अभी इसका कितने यहाँ वो बफेलो बुल है या तो भैंसा है, भैंसी है? उसका 2 लड़का अभी मैंने तैयार किया है। तो YouTube पे आप देख रहे थे गिर गाय का ये वीडियो, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और सालनपुर हनुमान जी मंदिर पे अगर आप आते हैं तो यहाँ की गौशाला जो है उसकी अवश्य मुलाकात लेना। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए क्योंकि अब इसका जो बच्चा है वो हम आपको दिखाते हैं। इस बुल के कई सारे बच्चियाँ हैं और बफेलो बुल भी है। तो ये बोटाद का सालनपुर हनुमान का देश का फेमस मंदिर है हनुमान जी का, तो ये वहीं का है। और अब हम आपको इसके बच्चियों के बारे में दिखाते हैं, तो चलिए इसके बच्चे को देखते हैं। आपने मंगल पांडे को तो देखा है जो यहाँ का जाफराबादी ब्रीड का बिग बफेलो बुल है, लेकिन अब हम उसके परिवार से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, ये उसका परिवार है।
उसकी बचिया है। और हमारे साथ आपका नाम क्या है? भोला भाई। ये भोला भाई है हमारे साथ जो इसका पूरा दिन देख रेख रखते हैं। भोला भाई, ये मंगल की अभी कितनी औलादे है, जिसमें कितने भैंसे हैं और कितनी भैंसे हैं? मंगल की पाड़ी है 40 से ज़्यादा और उसका पाड़ा है वो 10 से ज़्यादा है। अच्छा, यानी कि जो भैंसे है वो 10 से ज़्यादा है और जो भैंस है मंगल की बचिया वो करीब 40 है, यानी कि कुल मिलाकर 50 जितने हैं। हाँ। अभी आपके यहाँ इसी गौशाला में कितने इसके बच्चे ब्रीड है? अभी तो उसका तो बोला ना 40, ये यहाँ 40 से 40 यहाँ है तो अभी यहाँ तो 10-20 है, थोड़ा सा अंदर है। हाँ। थोड़ा 18 पीछे है। अच्छा, तो यानी के इन 50 जो अभी जाफराबादी भैंसे और भैंसे है उसका बाप एक ही है? एक ही है, मंगल। मंगल अभी इसका रिजल्ट क्या है इन सभी में? वो मंगल जैसे, यानी कि इसका जो ये है, वो उसका ये भैंसा है, ये उसका लड़का है, वो जो बेटा है वो बेटा है। अच्छा, वो उसके जैसा ही है? तो अभी ये कितने साल का हुआ सर? अभी वो 9 साल का हुआ है। कितने? ये 9 साल हुआ। 9 महीने या 9 महीने? हाँ, 9 महीने। 9 महीने। ओके, तो ये जब बड़ा होगा, यानी 3 साल लगेगा ना, 3.5 साल, तो 23 वर्ष में वो पूरा बड़ा हो, जितना उसका पप्पा दिखाते ना वो ऐसा हो जाएगा। ओके, और वो एक अंदर है वो उसके जैसा हो गया? हाँ, वो 3 वर्ष का हुआ, 3 साल का हुआ। मंगल पांडे ये उसका बेटा है। और ये कितने साल का हुआ है भाईलाल भाई? 4.5 साल। ये 4.5 साल का अभी हुआ है। और इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जितना मंगल पांडे का जितना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका भी उतना ही बड़ा है, लेकिन अभी ये थोड़ा छोटा है। और ये एक है और भैंस है दूसरी, ये भी इसका है। ये जो ये भैंस है, भैंस वो भी मंगल पांडे की। ये सर दूध देती है? नहीं, अभी ब्याही नहीं है। अच्छा, ये उसका लड़का है, ये तीसरा इसका लड़का, उसका लड़का, उसका, तो ये भी उसका है ना। दोस्तों, मंगल पांडे का ये सबसे बड़ा था, जो बुल था, बेटा था, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा ये है। और ये कितने महीने का हुआ सर? ये कितने दिन का हुआ? अभी 6 दिन हुए। अभी 6 दिन पहले ही ये मंगल पांडे के बेटे ने जन्म लिया है। तो ये भी ये उसकी माँ है। ये कितना लीटर दूध देती है? 12 लीटर देती है। ये 12 लीटर दूध देती है। इसका नाम क्या है? नाम तो अभी नहीं रखा हूँ। इसका नाम नहीं है, ठीक है। ये इसका ये बेटा है और ये मंगल पांडे का ब्रीड है इसमें, और इसकी माँ 12 लीटर दूध देती है। यहाँ पर काफ़ी सारे जाफराबादी ब्रीड के, जाफराबादी सिर्फ जाफराबादी। मैपल भाई।